फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास फोर्से कैनी आई हुई है। तो फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब कस्टमर हाई स्पीड में रनिंग करता है, जैसे 100 की स्पीड में, 120 स्पीड में जब गाड़ी रनिंग करता है, तो उस समय इसका मीटर पे ऑयल लाइट ब्लिंक करता है। तो फ्रेंड, हम इसमें चेक करेंगे कि ऑयल लाइट क्यों ब्लिंक करता है, हमारा ऑयल लीकेज का कहीं से प्रॉब्लम है या इसका ऑयल का स्विच का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, हमारा स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं, अभी हमारे मीटर पे कोई लाइट नहीं है, लेकिन फ्रेंड, जैसे ही हाई स्पीड रनिंग में गाड़ी जाती है तो लाइट मीटर पे आने लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसका बोनट ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं से ऑयल लीकेज है या इसका ऑयल स्विच का प्रॉब्लम है या वायरिंग का प्रॉब्लम है। थोड़ा नजदीक आइए, देखते हैं जरा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं इसका हमें ऑयल लीकेज दिख रहा है, थोड़ा हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए, क्रैंक के पुली के नीचे देखिए, थोड़ा थोड़ा गिला हुआ है। हम एक काम करते हैं, इसका नीचे का जो कवर आता है, इंजन कवर, उसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ऑयल लीकेज कहाँ से है, क्योंकि ऊपर से हमें क्लियर नहीं दिख रहा है। तो हम इंजन का कवर खोलते हैं और ऊपर का जो हॉस पाइप है, जो ये हॉस पाइप भी ओपन करेंगे, ताकि ऊपर से हमें काम करने के लिए जगह मिल सकेगा। अभी ये जगह नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो हम नीचे का कवर और हॉस पाइप ओपन करके आपको क्लियर दिखाते हैं कि हमारा ऑयल लीकेज कहाँ से। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम नीचे का इंजन कवर ओपन कर रहे हैं, एक एक कवर ओपन करके आपको दिखाते हैं। निकालिए कवर, ये देख सकते हैं, ये नीचे का इंजन कवर है, देखिए ऑयल से भीगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, बाकी और कवर भी है, ये देखिए दूसरा कवर, ये कवर को साइड में लीजिए सब। ठीक है फ्रेंड, तो हम अब नीचे से चेक करेंगे पहले प्रॉपर कि हमारा ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम कहाँ से है। ये हॉस पाइप को निकालिए, देख सकते हैं फ्रेंड, ये सारी जगह ऑयल से भीगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो जहाँ तक हमारा तजुर्बा है कि इसका क्रैंक का जो पुल्ली है, क्रैंक के पुल्ली के जो पीछे जो मेन ऑयल सील आता है, वो वहाँ से लीक हो सकता है, बाकी और कुछ लीकेज होने का तो यहाँ कारण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम इसका नीचे से भी एक बार चेक कर लेंगे स्टार्ट करके, और नहीं स्टार्ट करके हमें अगर नीचे से कहीं लीकेज नहीं मिला तो हम क्रैंक पुली ओपन करेंगे, उसके पीछे का ऑयल सील चेक करेंगे, क्योंकि 100% हमारा ऑयल सील से ही लीक हो सकता है। एक बार हम नीचे से भी चेक करते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड, ये पूरा हमारा गिल्ला हुआ ऑयल से, ये देखिए, देख सकते हैं हमारा जो धड़ी वड़ी आता है सब गिल्ला है। तो हम इसको प्रॉपर से चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट करके, और उसके बाद आपको क्लियर बताते हैं कि हमारा ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम कहाँ से है करके। तो फाइनली फ्रेंड, हमने इस गाड़ी को स्टार्ट करके रखा था, तो हमें और कहीं से लीकेज नहीं दिख रहा फ्रेंड, क्रैंक का जो पुल्ली है उसके पीछे से ही ऐसा ऑयल आ रहा है। तो हम इसका जो क्रैंक का पुल्ली है उसे ओपन करेंगे, और क्रैंक का पुल्ली ओपन करके बेल्ट उतार के फिर आपको एकदम क्लियर दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम क्रैंक का पुल्ली ओपन करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें फ्रेंड 12 खाचे का एलंकी लगता है, ये देख सकते हैं, ये हमारा एलंकी है, 5 बोल्ट दिया है, 5 बोल्ट आप ओपन करेंगे तो क्रैंक का आपका पुल्ली बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्रैंक का पुल्ली ओपन करके और उसके बाद हम आपको क्लियर दिखाते हैं कि हमारा ऑयल लीकेज कहाँ से हो रहा है करके। जिस प्रकार से हमने एक पुल्ली का बोल्ट ओपन किया है, इसी प्रकार से हम बाकी सारे भी ओपन करेंगे। इसमें 5 बोल्ट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो हम सारे बोल्ट ओपन करके और उसके बाद आपको पुल्ली बाहर निकाल के दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका क्रैंक का जो बोल्ट आता है पुल्ली के, वो सारे बोल्ट हमने लूज कर लिए हैं, हमने पूरी तरह से प्रॉपर बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि बाहर निकाल देंगे तो हमारा बेल्ट, क्योंकि हमारे बेल्ट पे लोड है, इसके लिए हम पुल्ली का बोल्ट पूरा बाहर नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम पहले इसका बेल्ट ओपन करेंगे
अब बेल्ट ओपन करके पुली का सारे बोल्ट बाहर निकाल कर, फिर पुली बाहर निकाल कर फिर आपको दिखाते हैं। तो हम इसका बेल्ट ओपन कर रहे हैं, पचपन नंबर के T50 से फ्रेंड अभी बाहर ले रहे हैं। हमने इसका बेल्ट बाहर ले लिया है, अब इसका क्रैंक का जो पुल्ली का बोल्ट है उसे बाहर निकाल कर क्रैंक की पुल्ली बाहर निकालेंगे। क्रैंक का बोल्ट पूरा बाहर निकाल दिया, देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका एक बोल्ट है, बाकी सारे बोल्ट निकाल दिए। ये देख सकते हैं ये 12 खाचे का है, देख सकते हैं ऐसे 5 बोल्ट है फ्रेंड। सारे बोल्ट ओपन हो गए, हाँ तो बोल्ट ओपन करके पुल्ली बाहर निकालिए, पकड़ के रखिए गिरेगा मुंह पे। हाँ पुल्ली बांध लीजिए, देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसका क्रैंक का पुल्ली बाहर ले लिया है। ये देख सकते हैं सील के जो नीचे का हिस्सा है, देखिए गिल्ला है, ये देखिए फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये देखिए ये देखिए फ्रेंड ये ऑयल सील कट चुका है। ये देख सकते हैं ये ऑयल सील के ऊपर का जो हिस्सा है बाहर निकल चुका है क्रैंक का, ये देखिए यहाँ पूरा गिल्ला है, ये देखिए क्रैंक के पुल्ली देखिए पीछे देखिए पूरा ऑयल सील गिल्ला है। तो फ्रेंड हमारा क्रैंक ऑयल सील से ही लीकेज है, बाकी कहीं से लीकेज नहीं है, ये देख सकते हैं पूरा गिल्ला है, ऑयल से भरा हुआ है। तो हम इसका क्रैंक का जो ऑयल सील आता है उसे रिप्लेस करेंगे। और एक बात बताना है फ्रेंड, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, देख सकते हैं इसमें क्रैंक के पुल्ली में 5 बोल्ट नहीं है, टोटल 8 बोल्ट है, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें टोटल 8 बोल्ट है, 8 बोल्ट आप ओपन करेंगे तभी आपका क्रैंक पुल्ली बाहर आएगा। तो देख सकते हैं पूरा इधर गिल्ला हुआ है, नीचे भीजा हुआ है, यहाँ से लीक होके एक चैम्बर के ऊपर पूरा ऑयल भीजा हुआ है, देख सकते हैं। तो हम इसका क्रैंक का ऑयल सील ओपन करेंगे और बाहर निकाल कर, और उसके बाद से इसका जो नया ऑयल सील है वो देखते हैं, अगर अवेलेबल रहेगा तो हम आज ही रिप्लेस कर देंगे, और नहीं अवेलेबल रहेगा तो फिर उसे अरेंज करके फिर आपको रिप्लेस करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम इसका ऑयल सील बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड हम इसका जो क्रैंक ऑयल सील है उसे ओपन कर रहे हैं, देख सकते हैं इस सील को हम बाहर निकाल रहे हैं, ये देखिए इसका क्रैंक ऑयल सील है। ये देखिए फ्रेंड ये हमारा ऑयल सील बाहर आ चुका है। तो फ्रेंड ये इसका क्रैंक ऑयल सील है, देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड इधर से ये देख सकते हैं यहाँ से इसका ऑयल लीकेज हो रहा था, ये ऑयल सील पूरी तरह से एकदम हार्ड हो चुका है फ्रेंड, एकदम नरम रहता है, ऐसा दबाने पूरा वर्क करना चाहिए। ये हार्ड होने के कारण से यहाँ से ऑयल इसका बाहर आता है, ठीक है। तो हम इस ऑयल सील को रिप्लेस करेंगे अभी। तो हमने इसका ऑयल सील ओपन किया है, तो हम इसको स्पेयर पार्ट की दुकान में कॉल करेंगे, कॉल करके पता करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल रहेगा तो हम आज ही आपको इसको मतलब रिप्लेस करके दिखाएंगे, और नहीं अवेलेबल रहेगा तो हम ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देने के बाद वो 1 दिन में आता है, 2 दिन में आता है, 3 दिन में आता है, जो भी जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा वो हम आपको सामने से बताएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑयल सील अरेंज हो गया है, ठीक है, इसका क्रैंक ऑयल सील है, देख सकते हैं नया वाला, ये जूना वाला है, ठीक है, ये देख सकते हैं किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मैच टू मैच है, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इसको बिठाएंगे, हमने इसके ऊपर हल्का हल्का सीलेंट लगाया है, ठीक है, हल्का हल्का एकदम सीलेंट लगा के, और फिर इसको हम बिठाने जा रहे हैं, बिठा के फिर आपको बिठाते दिखाते हैं।
तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं इसका हमने जो क्रैंक ऑयल सील है उसे बिठा दिया है। अब आपको नजदीक से दिखाते हैं, ये देखिए ये हमने क्रैंक ऑयल सील फिट कर दिया है। तो अब हम इसका जो क्रैंक का पुल्ली उल्ली है जो हमने ओपन किया है, इसका क्रैंक का पुल्ली, अल्टरनेटर का बेल्ट, वो सारी चीज़ हम फिट करेंगे और फिट करके उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि हमारा ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये देख सकते हैं इसका जूना वाला ऑयल सील है, ये देखिए, ये देख सकते हैं किस तरह से पूरा इधर से डैमेज हो चुका था। ठीक है फ्रेंड, तो इसका पुराना वाला ऑयल सील है, इसका हमने नया ऑयल सील फिट कर दिया है। अब क्रैंक का पुल्ली उल्ली हम लगाएंगे। ठीक है अंसारी जी, क्रैंक का पुल्ली लगाइए। ठीक है, तो इसका क्रैंक का पुल्ली हम लगा कर और फाइनल करके और उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका हम क्रैंक का पुल्ली लगा कर उसके बाद स्टार्ट करके दिखाते हैं। फाइनली फ्रेंड, ये हमने क्रैंक का पुल्ली और इसका ऑयल सील रिप्लेस कर दिया है। अब इसका जो अल्टरनेटर का बेल्ट है उसे चढ़ाने जा रहे हैं। ये टेंशनर देख सकते हैं, हाँ टेंशनर को दबाइए। छोड़ो छोड़ो, तो ये हमारा अल्टरनेटर का जो बेल्ट है बैठ चुका है। चलिए हटाइए, इसका हमने ये होस पाइप ऊपर से ओपन किया था, इधर से हाथ डालने के लिए जगह नहीं था करके होस पाइप लगाएंगे। तो फ्रेंड जरा हम इसका जो क्रैंक का पुल्ली ओपन किए थे उस पर एक बार बेल्ट चढ़ाकर फाइनल हाथ मार लेते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा क्रैंक का पुल्ली पूरी तरह से फाइनल टाइट है और ये हमने अल्टरनेटर का बेल्ट भी चढ़ा दिया, देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम खाचे खाचे में दाता दूध डाटा। अब इसका जो इंटरकूलर का होस्ट हमने ओपन किया था इसे भी लगा देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके चेक करेंगे। अंसारी जी तो गाड़ी चालू कीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, हमारा बेल्ट का पोजीशन भी देख सकते हैं पूरा दाता टू दाता मैच है, कोई अंदर बाहर नहीं है। तो देख सकते हैं हमारा बेल्ट का दाता का पोजीशन। तो फ्रेंड हम इसको ज़रा लॉन्ग टेस्ट ड्राइव मारेंगे और टेस्ट ड्राइव लेकर और उसके बाद इसका ऑयल लीकेज टेस्ट करेंगे कि हमारा ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम था उस। मनोज भाई कोई प्रॉब्लम है गाड़ी में? गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली जो ऑयल लीकेज का है एक बार टेस्ट कर लीजिए। और मीटर में कोई लाइट वगैरह? नहीं नहीं, मीटर में कोई लाइट वाइट नहीं है, देख सकते हैं हमारे मीटर में किसी प्रकार कोई लाइट भी नहीं है। तो फ्रेंड हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं, 10
10 किलोमीटर हमने इसका टेस्ट ड्राइव लिया है। अब इसका हम बोनट ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे कि कुछ हमारा ऑयल ऑयल लीकेज वीकेज का कुछ है क्या। ऐसा तो हमारा होना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम बोनट ओपन कर रहे हैं, ओपन करके आपको दिखाते हैं। फ्रेंड हमने इसको टेस्ट ड्राइव लेने से पहले पूरी तरह से वॉश किया था पानी से। तो ये देख सकते हैं हमारा पुल्ली के नीचे का हिस्सा पूरा सूखा हुआ है, कहीं भी कुछ गिल्ला विल्ला नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं ये हमारा पहले पूरा बेल्ट ऑयल ऑयल से भरा हुआ था ये गाड़ी आने से पहले हमारे पास। ये देख सकते हैं पूरा सूखा हुआ है बेल्ट हमारा, किसी प्रकार कोई ऑयल लीकेज भी नहीं है। ये देख सकते हैं क्रैंक का पुल्ली जो है वो भी पूरा सूखा हुआ है, नीचे का हिस्सा देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा पूरी तरह से एकदम सूखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको टेस्ट ड्राइव लेने से पहले पूरी तरह से पानी और हवा से वॉश कर लिया था। ठीक है, तो अब ये फाइनल हमारा हो चुका है, हमने इसको फाइनल पोजीशन पे रखा है कस्टमर को डिलीवरी देने के लिए। खाली इसका इंजन का जो कवर है वो लगाने का है। इसका इंजन का कवर लाइए, वो भी लगा दीजिए। तो फ्रेंड इसका इंजन का कवर हम लगा देंगे और इसका एक बार ऑयल लेवल चेक कर लेते हैं। फ्रेंड इसमें गेज नहीं देता है, इसको बटन से मीटर पे चेक करना पड़ता है। मीटर पे आपको दिखाएगा कि आपका ऑयल लेवल कितना है कितना नहीं है, वो हम आपको बताते हैं किस तरह से चेक करने का। तो हम इसको आपको ऑयल लेवल का बताते हैं। ठीक है, तो ये गाड़ी हमारा ओके हो चुका है, बोनट बंद कर दीजिए। ये हमारा फोर से कहनी है फ्रेंड, देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड ये बटन है, देखिए इसको एक बार आपको ओके करना है। देखिए आपका ऑयल लेवल करके आया है, इसको एक बार आपको नीचे लेने का है इस तरह से, फिर इसमें बीच में से फिर से ओके करने का है। ये देखिए आपका ऑयल लेवल बता रहा है मैक्स, एकदम बरोबर, थोड़ा भी कम नहीं है, देख सकते हैं। ये देखिए आपका ऑयल लेवल इसमें लिख के आ रहा है, ये देखिए मिनिमम मैक्स तक एकदम, देख सकते हैं थोड़ा भी कम नहीं है फ्रेंड, क्योंकि हमने इसमें आधा लीटर ऑयल कम था तो हमने टॉपअप किया है, तो हम आपको इसको चेक करने का बता दिए हैं। ये देखिए बटन से आपको चेक करना पड़ेगा, ये बटन को आप दो बार प्रेस करेंगे तो आपका ऑयल लेवल करके आएगा, तो उसमें आपको ऑप्शन में जाके ओके करना है, तो आपका ऑयल लेवल बताएगा कितना ऑयल लेवल है कितना नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज का ये हमारा वीडियो था फोर्से कैनी का ऑयल लीकेज का। तो हमने इसमें ऑयल रिप्लेस, ऑयल क्रैंक का जो ऑयल सील आता है उसे रिप्लेस किया है। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो और आज का वीडियो पसंद आया हो क्रैंक के ऑयल सील का, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड आपको हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, ताकि हम आपके सामने इससे भी अच्छे से अच्छा वीडियो पेश कर सकें, ताकि हमें भी थोड़ा दिल को तसल्ली हो वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।